हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको एक यम्मी सा दलिया बनाना सिखा रहे हैं काफी सारी वेजीज के साथ। ये देखिए, मैंने सत्यम का दलिया लिया है, ये पैकेट यहाँ अवेलेबल था हमारे पास। ये मैंने एक कप ले लिया है पूरा भरने के बाद। सॉल्ट एज पर टेस्ट है, थोड़ा चाट मसाला हम यूज करेंगे। और ये वेजिटेबल्स हैं, 1.5 कप वेजिटेबल हैं टोटल जो हमने कट कर ली हैं। आलू है उसमें, गाजर है, बीन्स हैं, गोभी है, फूल गोभी है, आप चाहें इसमें मटर ऐड कर सकते हैं। और प्याज काटेंगे हम। ये देखिए, मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दी है। और ये करीब 2 कप सब्जी हो गई है, आप देखिए 2 कप के करीब सब्जी है। और अच्छे से हमने इसको छील के धो के तब काटा है। सब्जियों का जरूर आपको ध्यान रखना है। ये हमने एक प्याज ली है जिसको काट लिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए, हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें हम डाल रहे हैं दलिया। पहले हम दलिये को भून लेंगे अच्छे से स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, स्लो फ्लेम पर भूनना है। अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, हल्का कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि दलिया जो है वो भून चुका है। ये देखिए, दलिया बहुत अच्छे से भून चुका है, हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सब्जियां। ये देखिए कितनी कलरफुल सब्जियां हैं। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, हम इनको भी सब्जियों को अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। और ये बहुत फास्ट बनता है क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप ऑयल की जगह घी ले सकते हैं। प्याज भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है, प्याज भी इसी तरह लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक, थोड़ा चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, और ज्यादा मसाले हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है 3 कप। नमक टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो हल्दी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें आज हल्दी ऐड नहीं कर रही हूं। और ये देखिए, फर्स्ट क्लास ये तैयार है। अब हम इसको कुकर को बंद करते हैं 1 विसल आने तक। अब हम कुकर को खोल के देख रहे हैं और ये देखिए, गर्मा गर्म जो दलिया है वो बनकर तैयार है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। ये देखिए, परफेक्ट। मैंने जो दलिया लिया था उसमें से 1 या 2 टेबलस्पून मैंने इसमें से निकाल लिया, यानी वो लेवल में ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा था, तो आप कप में लेवल में लीजिए। ये देखिए, परफेक्ट दलिया ब्रेकफास्ट के लिए बनकर तैयार है। और मैंने यहां इसमें 5 to 6 विसल लगाई है, डिपेंड करता है अपने अपने कुकर पे। 5 to 6 विसल में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है क्योंकि मुझे जो दलिया है वो सॉफ्ट पसंद है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। थोड़ा हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और अब मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ। देखिए कितनी सारी सब्जियां हैं, जितनी सब्जियां होंगी उतना ही ये बढ़िया लगेगा। ये देखिए, बहुत ही फर्स्ट क्लास, फुल ऑफ वेजीज। और हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है और बिल्कुल खिला खिला बना है और सॉफ्ट है, तो पानी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो जरूर जरूर आप अपना कमेंट लिखिएगा और बनाकर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।